तो चलिए इस वीकेंड बना लेते हैं मून पॉप्स पोटैटो के, सिर्फ आलू के नहीं है, बड़े ही हेल्दी वे में बनाए हैं। चाहे बच्चों के टिफिन में दीजिए, चाहे दीजिए उन्हें एक स्नैक की तरह मज़ेदार से। ना हमने किया है मैदा यूज़ ना कुछ, ये हमने दो उबले आलू से बनाया है सिर्फ। इसको आलू को, उबले हुए आलू हैं, इनको कर लेंगे कद्दूकस। तुम्हें बता रही थी कि बिल्कुल हेल्दी वे से बनाए हैं, हमने मैदा नहीं यूज़ किया, तो हमने कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं किया। तो आप सोच रहे होंगे किस चीज़ से बाइंडिंग दी, तो देखिए ज़रा मेरी वीडियो को पूरा। ना कोई बेकिंग सोडा ना बेकिंग पाउडर, कुछ यूज़ नहीं किया है। ये मैं कर रही हूँ आलू कद्दूकस, दो ही आलू डालूंगी, आप देखो उबले हुए। और लिया है एक और ट्विस्ट है गोभी का फूल, देखिए जितने आलू का क्वांटिटी लिया है उतना ही गोभी लिया है। बच्चे वैसे तो गोभी खाते नहीं हैं, तो इस तरीके से आप बच्चों को सब्जियां ऐड करके खिला सकते हो। आप कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हो, पत्ता गोभी भी ऐड कर सकते हो। तो ये मेरे पास फूल गोभी पड़ी हुई थी तो मैंने वो कद्दूकस कर दी। ये है लहसुन और अदरक का पेस्ट, और अब डालेंगे इसके ऊपर ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, नमक डाल देंगे अभी इसके ऊपर। आप काला नमक भी ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो मिर्ची पाउडर भी ऐड कर सकते हो, पनीर हो तो पनीर भी हेल्दी होता है वो भी ऐड कर सकते हो, पर मैंने और कुछ ऐड नहीं करा है। ये है गेहूं का आटा, तो इसी ट्विस्ट की मैं बात कर रही थी। हमने कोई मैदा या कॉर्नफ्लोर से इसको बाइंडिंग नहीं दी है, हमने दी है इसको गेहूं के आटे से बाइंडिंग। तो इसका हम एक अच्छा सा डो लगा लेंगे। आपको अगर हल्का सा पानी का छींटा देना पड़े तो आप दे सकते हो। तो ये देखिए मैंने लगा रही हूँ, लगा लिया अच्छा सा डो। अब आटा फैलाएंगे बोर्ड पे, हम रोलिंग बोर्ड ले लेंगे या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ आप रोल करते हो चपाती वगैरह। तो ये देखिए अच्छे से हम इस डो को करेंगे रोल बेलन से। ये देखिए बेल रहा है आराम से, क्योंकि हमने इसको बाइंडिंग दी है गेहूं के आटे की, कोई मेजरमेंट नहीं है। जब ये अच्छे से बाइंड आपको लगे कि हो गया है तो बस इनफ है। तो ये देखिए बेल लीजिए, और अब हम इसको एक कटर ले लेंगे, कोई भी ढक्कन ले लीजिए। तो इस तरीके से काट लीजिए मून, आप स्टार भी काट सकते हो, आप सर्कल्स भी काट सकते हो, आप कुछ भी शेप, बच्चों को जो खाने में अच्छी लगे, देखने में अच्छी लगे, बच्चे वही चीज़ खाते हैं तो वो डाल सकते हो आप। तो ये देखिए सारे कट गए हैं मून्स मेरे, और इनको गरम तेल हो रखा है तो इसको हम तल देंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, बस एक ट्विस्ट और बाकी है, क्योंकि इसमें हमने नमक और मिर्च बहुत कम डाला है। तो अगर बहुत छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो ये ऐसे ही ठीक है, बट अगर आप बड़े भी इसको ट्राई करना चाहते हो या थोड़े बड़े बच्चे हैं और स्पाइसी चीज़ें पसंद करते हैं, तो उसके लिए भी मेरे पास है एक ट्रिक जो कि चीज़ को बना देती है बहुत यमी। तो ये देखिए कुछ बचा हुआ था ना जो डो, उसके मैंने गोले भी बना दिए हैं, अदरवाइज़ ये सारे मून हैं। तो अच्छे से इसको डीप फ्राई कर लीजिए ब्राउन होने तक, देखिए कितनी यमी सी लुक आ रही है ना। तो ईजी भी हैं, और अगर आपके पास थोड़ा थोड़ा सा सब्जियाँ बची हुई हैं, मटीरियल बचा हुआ है, आप गाजर भी कद्दूकस करके डाल सकते हो। ये गोल में ली है मिर्ची, लाल मिर्च पाउडर, नमक और खूब सारा चाट मसाला ले लेंगे हम। चाट मसाले से ना ऐसी चीज़ों का फ्लेवर हो जाता है इनहेंस। तो आप समझ गए होंगे अब मैं क्या करने वाली हूँ। अब मैं इसको जो फ्राई हो गए हैं हमारे, देखिए पॉप, इनको पहले हम अच्छे से या तो किसी भी टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे और इसको अच्छे से इसका ऑयल निकाल देंगे। वैसे तो इसमें ऑयल जाता भी नहीं है। तो ये देखिए अब इसको मैंने इसमें करेंगे हम टॉस। तो ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसी कोई चीज़ अच्छी सी लग रही है जो बच्चे मिनट में खा जाएंगे। सॉस के साथ परोसेंगे इसको, आप चाहो तो होममेड चटनी भी बना सकते हो। तो ये देखिए मज़ेदार है ना। अगर आपको मेरी ये क्रिएटिव सी वीडियो लगी है अच्छी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।